हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2022 की न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस का नेक्सस ब्लू कलर, जो कि सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर है, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको पूरी बाइक आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलेगा आपको ग्रे और ब्लू कलर मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों, ये जो कलर है ना, हाल ही में लॉन्च किया गया है स्प्लेंडर प्लस के साथ हीरो की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या नए अपडेट देखने को मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि हीरो के लगभग सभी बाइकों की जो प्राइस है नवंबर 2022 से बढ़ा दी गई, तो हम आपको इसके लेटेस्ट प्राइस की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, गौर करिएगा, हम आपको इसके एक्सोन प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर का वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब आप लोग का वेट करना खत्म हुआ। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर आप लोग इस बाइक को लेने वाले या फिर लेने का प्लान करें, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोग आगे आने वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में, इस कलर ऑप्शन के बारे में, तो अभी आप जो स्क्रीन पे कलर देख रहे हैं, ये इसका है सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको जो पूरी बाइक देखने को मिलते हैं आपको सिल्वर कलर मिलते हैं, लेकिन इसका जो ग्राफिक्स मिलेगा ना, यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको ब्लू और ग्रे कलर में ग्राफिक्स मिलती है इसके बॉडी पे, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो दोस्तों, अगर आप लोग सिल्वर कलर के लवर हैं, आई एम सोर ये कलर आपको काफी पसंद आने वाला है। तो आप लोग को ये जो सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर है, आप लोगों को कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें नवंबर 2022 से सभी बाइकों को जो प्राइस है ना, फिर से बढ़ चुकी है हीरो की तरफ से। तो दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे बाइक देख रहे हैं, ये आईथ्रेस के साथ आती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके एक्सोन प्राइस के बारे में, तो अब इसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है नवंबर 2022 से, वो निकल के आ रही है 72,436 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो आपको लगभग पड़ेगा 87,000 to 91,000 के बीच में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो इसके लेटेस्ट प्राइस की बात। और इसका जो नेक्सस ब्लू कलर है, यानी कि ये सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर है, आप लोगों को कैसे लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आपको जो फ्रंट वाइजर मिलता है आपको सिल्वर कलर मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो ब्लैक कलर में आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको ग्रे एंड ब्लू और व्हाइट कलर में आपको ग्राफिक्स मिलती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है ना, वही आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिलता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलेगा ना, वही सेम आपको हाइलोजन बल्ब मिलता है, जिसमें आपको 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, ये इसका एक्सटेक मॉडल नहीं है, तो इसमें आपको DRL नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसका एक्सटेक मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको DRL भी देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर है, एक्सटेक मॉडल में नहीं लॉन्च किया गया, ये इसके सिंपल मॉडल में देखने को मिल जाती है, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, फ्रंट सेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वही सेम आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉस्ट सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देखने को देने वाली है। और यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्टर देखने मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक के बारे में, तो इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वही सेम आपको ट्रम्बे का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको 130 mm का ट्रम्बे का सपोर्ट मिल जाता है विद IBS सिस्टम के साथ, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिलता है 80/100 का, 18 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलॉय व्हील के साथ। तो दोस्तों, इसका जो ब्रेक साइज, इसका जो टायर साइज है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड बॉडी के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसको साइड से लुक निकल के आता है ना, काफी प्यारा लगता है देखने में। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सिल्वर कलर में इसकी बॉडी देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ग्राफिक्स मिलता है ना, आपको ब्लू और व्हाइट और ग्रे कलर में मिलती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। तो दोस्तों, ये जो सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर है, आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार से, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको हाई भी मिल जाता है, लो भी मिल जाता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो इसमें आप देख सकते हैं आईथ्रेस स्विच मिल जाता है, क्योंकि ये आईथ्रेस मॉडल है, तो इसमें आपको आईथ्रेस स्विच मिल जाता है। नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके मीटर कंसोल की बात करते हैं, तो इसके मीटर कंसोल में आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलती है, क्योंकि ये इसका सिंपल मॉडल है, ये इसका एक्सटेक मॉडल नहीं है। तो इसमें आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, इसमें आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है, आईथ्रेस लाइट देखने को मिल जाती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इसका जो मीटर कंसोल है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिलती है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग गौर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपको प्री इंस्टॉल USB पोर्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल रही है हीरो की तरफ से। तो दोस्तों, ये तो इसके मीटर कंसोल की बात, जिसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पे देखिए,
उसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा ना, फुल्ली सिल्वर कलर में देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए साइड में आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिलती है, हीरो की बैचिंग देखने को मिल जाती है, और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वॉक मिलती है 9.8 लीटर की। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर कलर के बॉडी के साथ जो नेक्सस ब्लू कलर की ग्राफिक्स मिलते हैं, ये इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करते हैं। तो आप लोग को इसका लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और यहाँ पे देखिए इसके साइड बॉडी पे आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग देखने मिल जाती है 3D एम्बर लोगो के साथ, और यहाँ पे देखिए आईथ्रेस की बैचिंग मिल जाती है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ ब्लू एंड व्हाइट कलर के साथ, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए पावर स्टार्ट पावर प्रोग्राम्ड FI की बैचिंग देखने को मिल जाती है, और इसका जो इंजन कैपेसिटी मिलती है उसकी बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 7.91 BHP का 8000 RPM, इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 8.05 न्यूटोमीटर का 6000 RPM पे। इसमें आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलता है वॉक मिलता है प्रोग्राम्ड FI सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको जो इंजन मिलने वाला है काफी रिफाइन इंजन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्प्लेंडर प्लस जो आती है ना, ये काफी मतलब फेमस बाइक है हीरो की तरफ से, क्योंकि इसमें आपको जो माइलेज मिलता है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके माइलेज की बात करते हैं तो लगभग आप मान के चले 60 से 62 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड में राइड करते हैं। तो दोस्तों इंजन जो है ना पहले से और भी ज्यादा रिफाइन हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि 2022 के लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इंजन वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट के बारे में, इसके सीट के कुशनिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो सीट की कुशनिंग है ना पहले से और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसकी सीट की कुशनिंग है ना काफी बेहतरीन और काफी सॉफ्ट देखने को मिल रही है। तो अब आपको स्प्लेंडर प्लस में और भी ज्यादा बेहतरीन आपको राइडिंग कंफर्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसकी जो सीट की कुशनिंग है ना पहले से इंप्रूव हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं रियर में आप देख सकते हैं पिलियन ग्रेविल मिल जाती है, और साइड में आप देखेंगे तो इसमें आपको कैरियर मिल जाता है, जिसमें आपको व्यापारी वर्ग के जो लोग होते हैं ना उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है सामान वामान कैरी करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस साइड बॉडी पे देख सकते हैं ब्लू और व्हाइट कलर में काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाता है, लेडी फुटेज मिल जाती है, क्योंकि ये डेली कम्यूटर बाइक है तो इसमें आपको लेडी फुटेज कंपलसरी है, तो आपकी जो घर की लेडीज है ना वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है, जो की काफी अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के रियर प्रोफाइल के बारे में, इसके रियर से लुक के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक है ना वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं टेल लैंप के जस्ट ऊपर देखते हैं ब्लैक कलर में आपको हीरो की बैचिंग देखने मिल जाती है, इसकी जो टेल लाइट मिलेगी वही आपको 21/5 वाट का बल्ब टेल लाइट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोग गौर करिए, ये इसका 2022 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है हीरो की तरफ से स्प्लेंडर प्लस में। तो आप लोग को ये जो लुक है ना, ये जो नया कलर निकल के आ रहा है, ये आप लोग को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताते चलिएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से, इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉस्ट सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 5 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सस्पेंशन क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, और यहाँ पे देखिए इसका जो सस्पेंशन मिलता है ना वो भी आपको सिल्वर कलर मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 110 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने मिल जाता है विद IBS सिस्टम के साथ। इसका जो रियर टायर मिलेगा वही सेम आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो रियर टायर है फ्रंट टायर है दोनों ही आपको सेम साइज के देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो इसके रियर सेक्शन की बात। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से, तो यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पे देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग देखने मिल जाती है, आईथेस की बैचिंग देखने मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के लिए इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको जो ब्रेक पैडल होता है ना, इसमें आपको एक लोहे की रेलिंग लगाई गई है, जिसकी मदद से आप लोग कितना भी कोशिश कर लें तो आपका जो पैर है ना वो इंजन से टच नहीं होता है, जो कि आपके शूज को आपके पैर को जलने से बचाता है इंजन से, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में कि क्या इसके डायमेंशन में कोई चेंजेस देखने को मिलती है हीरो की तरफ से या फिर नहीं मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में, इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2000 mm, इसकी जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1052 mm, इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1236 mm, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वॉक मिलती है 162 mm, इसका जो सीट हाइट है वो है 785 mm का। इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 112 kg की बाइक देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है जो की है 9.8 लीटर की। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो की मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये जो सिल्वर नेक्सस ब्लू कलर है आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, ये कलर अच्छी लगे, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करें, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नीचे हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहेगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।